भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरे टेस्ट मैच के दौरान कप्तान विराट कोहली के साथ मैदान पर सेल्फी लेना एक फैन को महंगा पड़ गया। सुरक्षा का घेरा तोड़कर विराट कोहली के साथ सेल्फी लेने की कोशिश करने वाले फैन के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस इंस्पेक्टर पी वेंकटेश्वरलू ने कहा कि आंध्र प्रदेश के कदापा जिले में रहने वाले 19 वर्षीय मोहम्मद खान के खिलाफ गैर कानूनी रूप से प्रवेश करने का मामला दर्ज कराया गया है, जिसने सुरक्षा घेरा तोड़कर कोहली के नजदीक जाने की कोशिश की थी। दरअसल दिन के पहले सेशन के दौरान एक क्रिकेट फैन राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम में सुरक्षा तोड़कर अंदर जाने में कामयाब हो गया। इस दौरान विराट कोहली शॉर्ट मिडॉन पर फील्डिंग कर रहे थे। फैन भारतीय कप्तान के पास जाकर उनके साथ सेल्फी लेने लगा। विराट भी इस व्यक्ति से बचने की कोशिश करते नजर आ रहे थे। ये घटना मैच के 15वें ओवर के दौरान हुई और इस वजह से कुछ देर के लिए खेल रुक भी गया। अश्विन को अपना 6वां ओवर फेंकने से पहले थोड़ा इंतजार करना पड़ा। विराट के इस फैन ने बैरिकेड और सुरक्षा घेरा तोड़कर बीच खेल के दौरान मैदान में प्रवेश किया, जहां बाद में सुरक्षाकर्मी उसे बाहर ले गए। लगातार दूसरी बार ऐसा हुआ है जब किसी फैन के मैदान में आ जाने के बाद मैच बाधित हुआ। इससे पहले राजकोट में 2 क्रिकेट फैन विराट कोहली के साथ सेल्फी क्लिक करने के लिए मैदान में घुस गए थे।